फ्रेंड्स, आज मैं गोभी आलू की सब्जी बनाऊंगी। इसके लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल लेंगे। तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड, गोभी आलू को फ्राई कर लेंगे। तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिना ढके हुए फ्राई करेंगे फ्रेंड, तीन चार मिनट तक फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा गोभी आलू फ्राई हो चुका है। तो कलर कितना अच्छा सुनहरा कलर हो चुका है। इसको बर्तन में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। हाई फ्लेम में बनाएंगे। एक चम्मच जीरा डालेंगे। साबुत मसाला लिया है फ्रेंड मैंने, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी लिया है, इसमें डालेंगे। इलायची को प्रेस कर देंगे, अच्छे से भून देंगे। दो कटी हुई प्याज डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा 6-7 कली लहसुन, थोड़ा सा अदरक और एक प्याज को पीस लेंगे फ्रेंड मसाले में। प्याज फ्राई हो चुका फ्रेंड, तो पिसा हुआ मसाला डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे दो मिनट तक। हमारा मसाला हो चुका है, अब उसमें एक कटी हुई टमाटर डालेंगे, उसे मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढक्कन से कवर कर लेंगे थोड़ी देर मीडियम फ्लेम में। थोड़ी देर हो चुकी है, चेक कर लेंगे। बीच बीच में चला गया था सर, हमारा मसाला बन चुका है। हम इसमें गोभी आलू डालेंगे। दो मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इसमें पानी डालेंगे। पानी ग्रेवी के लिए, आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी में डाल सकते हैं। 5 मिनट तक ढक लेंगे। ढक्कन 5 मिनट हो चुका फ्रेंड, चेक कर लेंगे। मैंने बीच बीच में चला लिया था, अभी पक चुका फ्रेंड। एक चम्मच चिकन मसाला डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
करेंगे। एक मिनट हो चुका है, इसमें धनिया पत्ता डालेंगे। मिक्स कर लेंगे, ब्रेड में सर्व कर लेंगे। गैस बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने गोभी आलू का सब्जी बना लिया है, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड। एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू।